आदाब जय हिंद। मैं न्यूज़ इंडिया टाइम रिपोर्टर अमित शाह, आज मैं आया हूँ बड़गांव तहसील में और बहुत ही मुबारकबाद देना चाहूँगा हमारे सलमान शेख साहब को। इन्होंने वो काम किया है इसलिए इनको बहुत ही मान सम्मान मिलना चाहिए जो मेरी नज़र में शायद ही नहीं मिला। इनका सत्कार हुआ भुसावल, जलगांव, चालीसगांव, बड़गांव बहुत अच्छी तरह हुआ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि और ज़्यादा इनका सत्कार हो, क्योंकि इन्होंने IBFF इंटरनेशनल चैम्पियनशिप में 65वें गट में 45 देशों को हराकर चौथा स्थान लिया है और चार नंबर पर आना, चौथे स्थान पर आना अपने आप में एक काबिल तारीफ है। तो इन्होंने अपना खुद का नाम नहीं बल्कि पूरे भड़गांव और पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इनका अभी बॉडी बिल्डिंग स्पर्धा चाइना में इनका चयन हुआ है। तो मैं हमारे सलमान शेख साहब से कहना पूछना चाहूँगा कि सलमान शेख साहब, आपको चाइना के जो बॉडी बिल्डिंग स्पर्धा इसमें आपका चयन हुआ है, तो कैसा फील कर रहे हैं, कैसे महसूस कर रहे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, मगर मैं यही कहूँगा कि जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए और मैं चाहूँगा कि भारत देशवासियों के लिए गोल्ड मेडल लाओ और अच्छे से अच्छा अपना प्रदर्शन अच्छे से अच्छा कर पाओ। और मैं इंशाल्लाह दुआ करूँगा कि आप लोग सब दुआ कीजिएगा मेरे लिए और मैं तिरंगा चाइना में भी लहरा गया हूँ, जिस तरह यहाँ लहरा है उसी तरह मैं वहाँ भी लहराऊंगा इंशाल्लाह और जीत मुझे अच्छे से मिलेगी। आप लोग बस इसी तरह मुझे सपोर्ट कीजिए और वहाँ से भी हम लोग गोल्ड या जो भी मिलेगा बस उसमें तो हम लोग खुशी है। और मैं चाहता हूँ कि उसके बाद में और दो तीन जगह पे सिलेक्शन होने वाला है मेरा, लेकिन वो कन्फर्म नहीं है, लेकिन जहाँ तक कि मुझे पता चला कल मैसेज आया तो दो जगह और कॉम्पिटिशन है इंटरनेशनल, तो हो सकता मैं आज ये चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। वो भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, दो कॉम्पिटिशन है जो इंटरनेशनल लेवल की, मिस्टर वर्ल्ड और हो सकता है शायद मिस्टर एशिया। तो इंशाल्लाह अगर हो गया सिलेक्शन तो भी बहुत बड़ी खुशखबरी रहेंगी मेरे भारतवासियों के लिए, बड़गांव वालों के लिए और पूरे जलगांव के लिए। तो मैं चाहूँगा कि आप मुझे इसी तरह सपोर्ट कीजिए, थैंक यू। ये बहुत ही बड़ी बात कह दी आपने, मैं तो ये कहना चाहूँगा शायद बड़गांव में पहली बार किसी ने इस तरह के बॉडी बिल्डिंग स्पर्धा में इतना ऊंचा स्थान मिला है, शायद जाकर मेरी सोची इसके पहले भी कोई यहाँ पर नहीं है शायद। नहीं, देखिए हम लोग जो कंपटीशन हुआ तो उसमें महाराष्ट्र से बहुत कम लोग थे और जो सिलेक्शन हुए थे तो हम लोग सिर्फ दो थे, उसमें मेरा फोर्थ पैलेस आया और मुझे इतना गर्व है कि मैं देश के लिए कुछ कर पाया। और सबसे मेन बात क्या है ना कि मोटिवेट करना चाहिए हम जैसे बॉडी बिल्डर को, क्योंकि अभी बॉडी बिल्डिंग जो गेम है वो अभी क्रेज में आ रहा है, लोग सिर्फ बॉडी बनाना जानते हैं लेकिन बॉडी बिल्डिंग एक गेम जो है वो सबसे महंगा गेम है, उसको डाइट का खर्चा और बहुत सारे रिक्वायर्ड रहती है कि हम लोगों को डाइट पर्सनल चीज़ें, तो अभी हम लोगों से लोग मोटिवेट करते हैं, मैं चाहता हूँ कि सपोर्ट करें, तो मुझे बहुत सारे लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। इंशाल्लाह मैं उनकी उम्मीदों पर भी खरा उतरूँगा और मैं चाहता हूँ कि आगे भी बॉडी बिल्डर इसी तरह तैयार हो जिस तरह से मैंने कमाल दिखा और बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं मेहनत, और जो जिला तालुका लेवल पे खेल रहे हैं मैं चाहता हूँ वो भी इंटरनेशनल लेवल पे खेले, क्योंकि अभी तक जलगांव जिले से तो कोई गया भी नहीं और जो कोई गया भी मतलब मेरे को कोई आइडिया नहीं, लेकिन मैं जहाँ तक कि मेरा नॉलेज है मुझे फील्ड में 10 साल हो गए बॉडी बिल्डिंग में, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर कोई गया भी मतलब कोई जीता नहीं और मैं चाहता हूँ कि आप सब जीते जिस तरह से मैं आया उस तरह से आप सब लोग कामयाब हो। बहुत बड़ी बात है सलमान शेख साहब, आप सलमान खान साहब आपने बहुत बड़ी बात कही थी। और मैं ये बताना चाहता हूँ हमारे न्यूज़ इंडिया टाइम चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो और हमारे जितने रिपोर्टर हैं, संपादक हैं, उपसंपादक हैं, इन सब की तरफ से आपको मुबारकबाद, तहे दिल से मुबारकबाद। और दूसरी बात कि आप यहाँ जो जिम में कोचिंग करते तो मैं चाहता हूँ कि आप जिस तरह से तैयार हुए तो बड़गांव से और बच्चे और बहरगांव से जो बच्चे आते उन्हें भी तैयार करें। बस मैं यही अपनी बात खत्म करता हूँ। मैं न्यूज़ इंडिया टाइम रिपोर्टर कैमरामैन बाबा खान के साथ, आदाब, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।